तो दोस्तों आप इससे वीडियो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। ये देखिए मेरा प्लेस्टेशन 2 चल रहा है जिसमें टोटल ओवर डोज खेला जा रहा है और काफ़ी अच्छा ये ट्राईपोड है। तो वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं बेस्ट क्वालिटी चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आप एक सामने ट्राईपोड रखा हुआ देख रहे हैं जो कि मैंने होममेड घर पे बनाया था खुद से, और ये काफ़ी अच्छा ट्राईपोड है। तो आज मैं एक और ट्राईपोड बनाने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, साइकिल के पंप से मैं बिना तोड़े फोड़े और बिना पंप को नुकसान पहुँचाए, जिससे कि हमारा ट्राईपोड भी बन जाएगा और जब मैं चाहूँ उसे खोलकर वापस अपना पंप सही से यूज़ भी कर सकता हूँ। तो मैं आज साइकिल के पंप से एक ट्राईपोड बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए पूरा वीडियो। हमारे पास ये एक साइकिल का पंप है और ये इसमें यूज़ होने वाले कुछ सामान रखा हुआ है जो कि मैं इसमें अभी लगाऊँगा। तो आप देखिए पूरा वीडियो, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस ट्राईपोड की प्लेट चाहिए पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास दूसरी प्लेट है नहीं है और मैं दूसरी प्लेट ख़राब करना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो इसलिए इसमें, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है ये मैंने किस लिए यूज़ की थी और कैसे बनाई थी, तो आप वीडियो देख लीजिए। आपको वीडियो एंड स्क्रीन पर दिख जाएगी, इस वीडियो के एंड पर, और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है इस वीडियो की लिंक इस ट्राईपोड की। तो सबसे पहले मुझे इस ट्राईपोड को खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस प्लेट का यूज़ करेंगे और इन पत्तियों का। तो मैं पहले इस ट्राईपोड को खोल रहा हूँ। हाथ थोड़ा जूम कर लें। तो दोस्तों ये देखिए, मुझे सिर्फ इसको इतना खोलना है क्योंकि हम, ये देखिए मेरा निकल गया ये, और ये भी मैंने काफ़ी उससे कस के रखा था, काफ़ी टाइट है ये। तो ये दोस्तों ऐसे नहीं निकल रहा है, इसमें नट वगैरह कसे हुए हैं। तो ये नीचे से ऐसा है, ये देख लीजिए आप, नट लगा हुआ है इसमें, और ये DTH की पत्तियां हैं, और इसके अंदर भी नट है, और ये PCB लाइट वाला पाइप है इसके ऊपर। तो अब मैं ये नट निकालूंगा प्लास्टिक से खोल के। तो दोस्तों इसमें देखिए चार नट थे, चार नटों से मैंने इस पर कसा था और ये मैंने खोल लिया है। काफ़ी देर बाद खुला है ये, बहुत बुरी तरह से टाइट हो गया था वो। तो ये देखिए पतला नट है, और अब ये है हमारा साइकिल का पंप, दिख रहा होगा आपको। तो हमें इसका नीचे वाला हिस्सा खोलना है, के बाद इसी साइज़ का एक नट चाहिए होगा जैसे कि इसमें लगा हुआ है। तो मैंने ये लंबा था कम से कम 2 इंच का, तो मैंने इसको इसके हिसाब से काटा है आरी की मदद से। और ये देखिए यहाँ से हमें इसका ये पाइप खोलना है। तो ये भी काफ़ी टाइट कसा हुआ है दोस्तों। इस तरीके से मेरा पंप भी ख़राब नहीं होगा और मैं जब यूज़ करना चाहूँगा तो मैं यूज़ भी कर पाऊँगा, और इसमें हमें कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक अच्छा हाइट वाला ट्राईपोड इसका बन जाएगा हमारा। तो अब ये देखिए दोस्तों, इसमें एक छेद है जिसमें हम नट लगाएंगे, पर ये हमारा नट इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा मोटा है और ये छेद थोड़ा पतला है। तो अब हमें इस साइज़ का हमको इसमें होल करना है। तो दोस्तों मैंने इसमें होल कर लिया है छुरी की मदद से, और ये नट इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा नीचे वाला भाग हमें इसमें कसना है। उससे पहले मैं इसमें एक, ये है हमारे पास पाइप कसने वाला,
तो इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि ये हमारा ट्राइपॉड इसकी मदद से घेर लेना और ये अच्छे से इसको पकड़ के खड़ा रहे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कसना है और नीचे से ये अच्छे से कसना है मुझे ये वाला नट। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये स्टैंड बन गया और ये हमारी सपोर्ट के लिए। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये हमारा ट्राइपॉड इधर उधर हिलेगा नहीं, और इसको कस देना है हमें। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ये थोड़ा सा हल्का सा लूज़ है, और इसकी चूड़ी पूरी कसा चुकी है तो उससे वो नहीं है हमें, और इसका मैं ये हटा देता हूँ। तो अब हमें चाहिए इसके लिए एक, तो दोस्तों ये एक छोटे नल का यानी कि छोटे पाइप का है, जो 1 इंच का पाइप होता है उसको कसने के लिए है। तो मैं इसे खोलता हूँ अभी, और ये भी हम इसी ट्राइपॉड में यूज़ करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे लगाने के बाद इसे टाइट कर देंगे ताकि हमें इसे जितना यूज़ करना है उतना, ताकि हम इसको इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों ताकि हमें जितनी हाइट का चाहिए उसको हम ऐसे करके इसको कस सकें। तो दोस्तों मेरे से एक अभी गलती हो गई है, ये वाला जो इसका रबड़ है मुझे नीचे करना है, और ये मुझे इसके ऊपर कसना था तो मैंने पहले ही कस दिया, तो मैं इसको सही करता हूँ। तो दोस्तों ये हमने सही कर लिया है, और अब मैं इस पर टेप लगा रहा हूँ ताकि ये इधर उधर घूमे ना। इस पर ऑयल हो रहा है तो ये चिपकेगा नहीं सही से, तो ऐसे भी काफ़ी सही है दोस्तों। चलो इस पर टेप नहीं लग पा रहा है, तो इसे मैं फेविक्विक से चिपका सकता हूँ पर नहीं चिपका रहा। तो ये आपने देखा ये मैंने क्यों लगाया, तो जितनी लंबी हम हाइट करेंगे और उसके हिसाब से इसको यहाँ कस देंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा। अब इसके बाद हमें एक इस तरह की पट्टी बनाना है, जो कि आप किसी पलंग वगैरह या एल्युमिनियम की जो लंबी लंबी पट्टियाँ आती हैं उससे बना सकते हैं, और चाहे तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, जो स्केल आता है मोटा वाला लोहे का स्केल उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक पावर सप्लाई की हीट सिंक थी, जो कि जिस पर ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, तो जो गर्म होती है तो इसमें हीट सिंक द्वारा ये ठंडा करता है। तो ये वो चीज़ है, तो अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और GIB वायर से बांध देंगे उसको। यहाँ पे कुछ इस तरह। गैस की मदद से इसके टाइट कर देंगे ताकि ये हिले ना। Thank you.
तो ये देखिए हिलने रहा है और काफ़ी अच्छे से बन गया है। और फिर अब हमें चाहिए पड़ेगा इसके लिए एक जो भी आपके पास फ़ोन हो उसका कवर पुराना, जैसे कि मैंने इस ट्राइपॉड में यूज़ किया था, तो हमें इसका कवर खोलना है और इसमें कसना है। दोस्तों ये इतना ही नहीं है, आप बोर मत होइए, मैं इसमें आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, तो आप देखिए बस पूरा वीडियो लास्ट तक। दोस्तों अगर आप हमें अपने पुराने फ़ोन का कवर लेना है, जो आपके पास जो भी फ़ोन हो उसका कवर चाहिए और ब्लेड की मदद से इसे कट करना है, तो इससे आप क्या कर पाएंगे कि सिंपली जो मतलब अगर आप कुछ दूसरा डिवाइस नहीं बनाना चाहते, मैंने इसके लिए ये बनाया था अलग से, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। और आप दोस्तों इस वीडियो को देख लेंगे, इस वाले ट्राइपॉड की वीडियो को, तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि ये मैंने पहले कैसे काटा था और ये कैसे काम करता है। तो सिर्फ हमें अगर सिंपली बनाना है, जैसे कि सामने का सूट करना है दीवार का या फ़ोटो वगैरह खींचना है, तो आप इस तरह से यहाँ पर कट करके और इस तरह से लगा के, या आप अगर आपके पास फालतू है तो आप अपने हिसाब से इसे और भी बेहतर बना सकते हैं, पर मैं अपना ये पंप ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इसको इतना बनाऊँगा। तो आप देखिए, मेरे दोस्तों फ़ोन लगा के नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे फ़ोन से वीडियो बनी रही है और मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, आप इसके मदद से सिर्फ ऐसे सामने का फ़ोटो खींच पाएंगे और एक अच्छी लंबी हाइट कर पाएंगे इसकी। ये देखिए, जितने आपको हाइट लंबा करना है तो वैसे कर पाएंगे। ये देखिए कितना लंबी इसकी हाइट हो गई है, और फिर आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके यहाँ पे कस दें तो ये नीचे नहीं जाएगा और आप अपना फ़ोटो शूट या वीडियो शूट इससे कर सकते हैं। और इसे आप शूट करते हुए आराम से धीरे धीरे देखिए रोटेट भी कर पाएंगे, अगर आपको चारों तरफ का वीडियो करना है तो ये चारों तरफ रोटेट हो पाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों ये यहाँ पर अभी इसकी पहली चीज़ हो गई। अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना है तो अब मैं दूसरी तरीके से दिखाता हूँ आपको कि दूसरा वाला हम कैसे बना पाएंगे और उसे आप पूरी तरह फुल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग बनाना है या नीचे के कुछ शूट करना है तो आप उससे आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये देखिए, जो हमारे पास पलंग होता है ये मैंने उसकी पत्ती कट करके, आप देख पाएंगे ये एक मैंने एल बनाया है अपने फ़ोन के हिसाब से, और यहाँ पे नट कसा है। और दोस्तों ये छोटे छोटे एल हैं दो, इसमें एक एल ये है और एक एल ये है, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बोल्ट से इन्हें कसा है और ये इस तरह एडजस्ट हो पाएंगे, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, तो दोस्तों इसे मैं लगा रहा हूँ, तो देखिए आप यहाँ पर, तो ये इस तरह से लगेगा यहाँ पे, और मैंने पहले से इसमें छेद कर दिया था और यहाँ भी आप देख रहे हैं होल है, तो यहाँ लगा के मैं इसमें नट कस दूँगा। ये मेरे पास कुछ बोल्ट हैं छोटे वाले दो, तो हमें यहाँ पे बोल्ट कसना है। दोस्तों ये बोल्ट कसने में दिक्कत आती है, तो मैं बोल्ट कसने के बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने कस दिया है यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से बोल्ट कसाएगा और यहाँ पर हम इसको कसेंगे ऐसे। और मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखा दूँ कि मैंने ये कसा कैसे था, ये वाला और ये वाला, जिससे कि ये रोटेट हो रहा है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले हम इसको कसेंगे, दोस्तों ये वाली चीज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। तो मैं अभी आपको ये वाला खोल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कसेंगे तो ये चलने में दिक्कत करेगा, तो आप ये देखिए यहाँ पर मैंने साइकिल के जो
टायर के अंदर ट्यूब होता है, यहाँ पर मैंने इसकी रबर का यूज़ किया है ताकि हमारा ये सही से एडजस्ट हो पाए और थोड़ा टाइट चल पाए, और इसे हम अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं आसानी से। तो अब मैं इसको कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे हमारा फोन का कवर। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पहले से ही गड्ढा किया हुआ है और इसमें हम कसेंगे स्क्रू और हमारा कवर, जैसे कि मैंने इस ट्राइपॉड में यूज़ किया था। ये देखिए हमारा यहाँ भी स्क्रू से कसा था हमारा कवर, और इसको भी हम इसमें कसेंगे। तो दोस्तों मैं अब इसमें हमारा ये कवर कस रहा हूँ। कवर में पहले ये लगाऊंगा, इसको कस दूंगा। दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा एक बड़ा होल है इसमें, तो मैं इसके साथ का नट देख के उसमें अभी लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने नट कस दिया है। तो अब आप इससे कैसे वीडियो शूट कर पाएंगे, तो आप देखिए ये सीधा हमारे सामने का कवर कर रहा है। तो आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसे वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो फ़ोन है रोटेशन हो सकता है आसानी से। अगर आपको नीचे की बनाना है तो आप देखिए इसे कैसे बनाएंगे। तो आप इसको यहाँ से इसको इस तरह से कर लेंगे, तो ये आपका पूरा नीचे का, अगर आप ड्राइंग की जो वीडियो करेंगे कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कॉपी रख के इसकी अनबॉक्सिंग करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा एक टूल सेट है और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की भी हुई है, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पूरी इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं दोस्तों अपने फ़ोन से। ये देखिए, आप चाहें तो ये सामने का कर पाएंगे, ऐसे कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे में करना है तो आप इसे अपने कवर को यहीं कहीं घुमा पाएंगे। ये देखिए आपका ऐसे में भी बन गया, और इसके बाद आप इसको इधर की भी बना सकते हैं अपने यहाँ की या छत की, तो आप इसे आसानी से घुमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा नट थोड़ा ढीला हो रहा है, और इसे सही से थोड़ा कसना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब आप बोलोगे ये वाला किस काम का, तो ये वाला इसलिए है, जैसे कि अगर आपको अपना फ़ोन वर्टिकल रख के सामने का शूट करना है एक ही वीडियो पे, तो आप इसे इस तरह से भी कर पाएंगे। ये देखिए, और इससे आपकी थोड़ी हाइट और फ़ोन की लंबी हो जाएगी। ये हमारा ये देखिए सामने का शूट हुआ वर्टिकल में, और ये वाला फिर ऐसे भी आप इसे शूट कर पाएंगे, और आपको हाइट बढ़ाना है तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा तरीका है और मैंने इसे यूज़ करके देखा है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। पर मेरे पास एक ही फ़ोन होने के कारण मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखिए, आप बहुत अच्छे से इससे अपना वीडियो शूट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको और वापस वही चीज़ करनी है तो इसे आप यहाँ से लूज़ करिए। ये देखिए आपका ट्राइपॉड छोटा हो गया, और हमें वापस नीचे की शूट करना है तो हम इसको यहाँ से ये घुमा देंगे, तो ये हमारे नीचे का शूट करेगा। सामने का करना है तो सामने का भी करेगा, और इसी तरह आप अपने कवर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से हमारा कौन सा ट्राइपॉड अच्छा लगा, चाहे तो वो ये वाला हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये डिवाइस कैसा लगा, ये मैंने खुद से बनाया है, तो आपको ये वाला अच्छा लगा या सिंपल अच्छा लगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपको ये ट्राइपॉड अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं डीटीएस से रिलेटेड और ये ट्राइपॉड वगैरह, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी सारी मेरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।